तो फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं हम घर के लिए, क्योंकि हमारा सिलेंडर खाली हो गया था। तो हम जा रहे हैं गांव वाले घर पर और वहां से लाएंगे नया सिलेंडर। अपने पीछे देख रहे हैं खाली पड़ा सिलेंडर है, इसको ले जा रहे हैं हम घर। घर से ले आएंगे दूसरा, इसको रख के और दूसरा ले आएंगे जो भरा पड़ा घर भरा होगा। तो अभी हम रास्ता में हैं और जा रहे हैं आगे। तो फ्रेंड्स धूप काफ़ी तेज़ है, इसलिए हम इसमें सोचा कि थोड़ा पेड़ की छाए में रुक लेते हैं। तो यहाँ पर रुके हैं पेड़ के नीचे, तो यहाँ पर काफ़ी शांति मिल रही है। और फ्रेंड्स मैंने सोचा कि चलो घर पे जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी में निकल आया, तो मैंने शूज़ पहनना भूल गया, जूते पहनना भूल गया, मैं चप्पल में ही आ गया। तो फ्रेंड्स धूप में मेरे पैर जल रहे हैं। तो अगर आप लोग कहीं बाहर निकलते हो तो चप्पल पहन के नहीं निकलिएगा, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा जलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम जलती आग में पैर को डाल रहे हूँ। तो फिर अगर आप लोग भी कहीं बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो फिर जूते पहन कर ही वो कवर करके, फेस कवर करके ज़रूर चलिए, क्योंकि बहुत धूप इतनी तेज़ है कि आपका चेहरा और आपके हाथ जो भी होंगे सब जल जाएंगे, इतनी तेज़ धूप है। तो चलिए फिर चलते हैं घर को और आपको आगे कंटिन्यू ब्लॉग दिखाएंगे कुछ, तो आज बस ऐसे ब्लॉग करने वाले हम। तो चलिए फिर घर के लिए चलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम अपने घर के पास में ही आ गए हैं, लगभग पहुंचने ही वाले हैं। और फ्रेंड्स मुझे आज एहसास हुआ कि गर्मियों में कभी भी अब चप्पल पहन के बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अगर आप चप्पल पहन के बाहर निकलोगे ना ऐसी धूप में तो आपको डेफिनेटली रोना आ जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि मैं अभी निकला हूँ तो मुझे पता है फ्रेंड्स मेरे पाँव इतने जल रहे हैं। आप लोगों ने जो गुम्मा ईंट वगैरह होते हैं उनको वो चट्टा लगा तो देखा होगा, जब उसमें आग डलती है तो जैसे उसके पास वो निकलती है ना, वैसे ही यहाँ पर भी सीन हुआ फ्रेंड्स। मेरे पैर इतने जल चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जाके इसको सीधा कि बर्फ़ में 2-3 घंटे के लिए पैर खुद बर्फ़ में डला रहा हूँ 2-3 घंटों के लिए, इतने मेरे पैर जल चुके हैं। आज की बार फ्रेंड्स मैंने यही पकड़े कान, आज के बाद में कभी भी बिना शूज के गर्मियों में कहीं नहीं जाऊँगा, घर से बाहर नहीं निकलूँगा, क्योंकि मेरे पैर तेज जल चुके हैं। हाँ, मैंने बीच बीच में रुक कर जी, अब इसका आप देख रहे हैं इसको भी पानी से भगोया, पैरों पर भी पानी डाला, तब जाके यहाँ पर मैं रुक रुक के धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच पा रहा हूँ। तो फिर से गर्मी तो इतनी खतरनाक हो चुकी है कि किसी को भी जला दे अगर धूप में खड़ा रहे तो। तो फिर चलिए अब चलते हैं घर के लिए। घर पर जाके पहले तो मैं आराम से लेटूंगा, फिर उसके बाद जब धूप कम हो जाएगी तब मैं वहाँ से निकलूँगा। तो अभी चलते हैं घर पर, फिर अब वहाँ पर रिटर्न होते हैं। फाइनली